गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन है, फैक्टोराइज अर्थात गुणनखंड करना। मतलब आपके पास जो भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है उसकी मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करके दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज फर्स्ट पार्ट इज गिवन 12x² - 7x + 1। ठीक है, अब ये गिवन है मिडिल टर्म, इट मीन्स ये 7x। 7x को हमें क्या करना है, छोटे पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 12, राइट, और ये कितना है 1। तो 12 बन जाए कितना होता है 12। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 12। जैसे 2 6 12, राइट, 3 4 12, ये दो है। अब 2 और 6 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना आएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। हमें क्या चाहिए 7, मतलब हमें बीच का नंबर चाहिए, याद रखना 7। 7 लाने के लिए हमें कोई से दो नंबर सेलेक्ट करना है, राइट। फिर 3 4 जा कितना होता है 12, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। इट मीन्स कि हमने कौन से दो नंबर ले लिए, 3 और 4। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, 12x² - 7x + 1 एज इट इज़ लिखा। ठीक, अब देखिए 12x² एज इट इज़ लिखा और ये वाला प्लस वन भी हमने एज इट इज़ लिखा। इस -7x को हम क्या लिख सकते हैं, -7x को क्या लिख सकते हैं, -4x - 3x लिख दिया हमने एज इट इज़। कोई डिफरेंस हुआ है क्या, नहीं। कैसे, देखिए एक बार मैं लिख के बताती हूँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 12x² - x एज इट इज़ लिखा है हमने, यहाँ पे क्या लिखा 7, मतलब 4 + 3 7 लिखा और यहाँ पे +1, हमने सिर्फ 7 को ब्रेक करा 4 + 3। तो देखिए प्लस माइनस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो कितना बचेगा 3x - 1। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लिया -1, तो यहाँ क्या बचा 3x - 1। ये ब्रैकेट दोनों हमेशा कैसे आने चाहिए, सेम। अगर अपने कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में कोई भी डिफरेंस आता है, मीन्स अगर दोनों एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, कुछ भी एक माइनर चेंजेस है, तो आपका सम वहीं गलत है, मतलब आपने स्टार्टिंग में या कहीं पर कोई मिस्टेक करी है। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा ये दोनों ब्रैकेट कैसे आना चाहिए, सेम। तो 3x - 1 लिख दिया, बचे हुए में क्या लिख दिया 4x - 1, और ये दो फैक्टर हमारे क्या हो गए, मिल गए, ये हमारा आंसर, अर्थात ये क्या है हमारे लिए, गुणनखंड। सेकेंड भी एज इट इज़ किया दिया है, 2x² + 7x + 3 कैसे सॉल्व करना है। देखो 2x² एज इट इज़ +7x + 3 एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। अब x² का कोफिशियंट है 2, लास्ट क्या है 3, 2 3 = 6। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो 6। एक तो है 2 3 = 6 और एक 6 1 = 6। बीच में मुझे क्या चाहिए 7, तो देखो 2 और 3 को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 5, माइनस करेंगे तो 1। काम का है क्या, नहीं, मतलब ये दो नंबर हमारे कोई काम के नहीं है। 6 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो 7, तो देखो इन दो को जोड़ने पर ही हमारे पास कितना आ रहा है 7, मतलब हम बीच में जो भी ब्रेक करेंगे कैसे ब्रेक करेंगे, 6 + 1 में करेंगे, राइट। तो हमने देखिए ये लिखा 2x² और 7x को हमने लिखा 6x + 1x, बाकी 3 एज इट इज़। अब पहली दो टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन ले लिया साथ में x, तो पहले वाले में बचा x + 3। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है +1 x + 3। अब आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे, तो यहाँ हमने लिखा x + 3 और दूसरे में आ गया 2x + 1। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट, 6x² + 5x - 6। ये है इक्वेशन गिवन, क्लियर। अब फर्स्ट वाले का क्या है 6 और लास्ट में भी क्या है 6 6 6 = 36। अब हमें ऐसे नंबर्स लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता हो 36।
अब देखिए कि 36 किस किस में आता है। अपन देखते हैं 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, राइट, 18 2 जा 36। अभी तो इसी में से काम देख लेते, 9 और 4, 6 6 कितना होता है, या तो 0 होगा माइनस करने पे या प्लस करने पे 12, मतलब ये दोनों काम के नहीं है 6 और 6। 4 9 जा भी 36 होता है, 9 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 13, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5, बीच में क्या है, 5। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 5 आ जाएगा, इट मीन्स कि हमारे लिए कौन से दो नंबर सूटेबल है, 4 और 9। तो देखिए, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिखी 6x2, माइनस 6 भी एज इट इज़, प्लस 5x को क्या लिखेंगे, बड़ा प्लस का है तो प्लस का 9 ले लेंगे, प्लस का 9x, माइनस का 4x, ठीक है, लिख दिया, क्योंकि 9 में से 4 को माइनस करा तो डेफिनेटली कितना आ जाएगा, 5x, दो दो की पेयर हो गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, ये 3 3 जा 9, इट मीन्स क्या कॉमन आ गया, 3x, ब्रैकेट में क्या बचा, 2x प्लस 3, इन दोनों में क्या है, माइनस है, साथ में 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 2x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमने अभी तक का पूरा सम सही करा है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2x प्लस 3, और दूसरे में आ जाएगा 3x माइनस 2, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है, 3x² - x - 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 3, लास्ट है 4, कितना आ गया, 3 4 जा 12। अब हमें देखना है 12 कौन कौन से टेबल में आता है, राइट, एक तो आता है 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, राइट, इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो 6 और 2 कितना हो जाता है, 8, हमें कितना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 चाहिए, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, ये वैल्यू काम की है क्या दोनों, नहीं, 3 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 7 आएगा, लेकिन 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और हमें वैसे भी क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, इसलिए हम कौन से वाला नंबर लेंगे, 3 और 4 वाला, क्लियर, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें नंबर को कैसे ब्रेक करना है, ठीक। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमने एज इट इज़ लिखी 3x² - x - 4 है, राइट, 3x² हमने एज इट इज़ लिखा है, कैसे लिखेंगे, -4x + 3x, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस, तो जो साइन बीच में हो बड़ी वैल्यू उसी में जाएगी, तो -4x + 3x - 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब नंबर तो कॉमन आ नहीं सकता है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 3x - 4, इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो नंबर कॉमन आ रहा है, ना ही एक्स कॉमन आ रहा है, तो जब इसी कंडीशन हो कि कुछ कॉमन नहीं आए, साइन भी कॉमन नहीं आए, तो हम क्या कॉमन ले लेते, 1, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही, तो हम क्या कॉमन ले लेते, 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो कितना आया, 3x - 4, राइट, 3x - 4 आया, दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिखाई दे रहे, 3x - 4 3x - 4, दोनों ही ब्रैकेट कैसे है, सेम है, तो इस ब्रैकेट को हमने क्या करा, एक बार लिख दिया 3x - 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 1, और ये दोनों क्या हो गए हमारे फैक्टराइज, मतलब गुणनखंड, क्लियर। तो इस तरीके से हो सकता है एग्ज़ाम में आपके पास और भी इक्वेशन दे, तो सिर्फ आपको x² का कोफिशियंट और लास्ट टर्म जो है दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर वही मल्टीप्लाई किस किस में आता है तो उनका प्लस और माइनस मिडिल टर्म में देखना है, ताकि हम वो नंबर सिलेक्ट कर सकें, और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उस इक्वेशन के क्या फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। थैंक यू।